जय श्री सीताराम। मुझे लगता है कि आज का वीडियो कई सारे दर्शकों के डाउट को एक बहुत बड़ी शंका को यहाँ पर खत्म करने वाला है। और वो शंका क्या है तो उस बारे में पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। वो शंका है ज्ञान को लेकर, ज्ञान हासिल करने को लेकर, कुछ सीखने को लेकर। देखें, यदि आप खुद को स्टूडेंट समझते हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो, 15 साल हो, 20 साल हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जो भी आपकी उम्र हो, आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए आज का वीडियो है। कुछ भी सीखना चाहते हो। मेरे पास कई सारे कॉल्स आते हैं और उन कॉल्स में मुझसे पूछा जाता है कि सर, क्या हम ज्योतिष सीख सकते हैं, क्या हम एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं? भाई, एक तो ये, कई बार एस्ट्रोलॉजी से हट के भी कुछ बातें पूछी जाती है। सर, हमें बीटेक किए हुए, आईआईटी से बीटेक किए हुए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमारी कंपनी में सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा, या मार्केटिंग की जगह बहुत अच्छी खाली है, मैं मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, सेल्स सीखना चाहता हूँ, क्या ये सीख सकता हूँ? सीख सकती हूँ, है ना। कई गृहिणियां मुझसे पूछती हैं कि सर, क्या हम ये सीख सकते हैं, हम कुकिंग सीख सकते हैं? यदि कुछ आप सीखना चाहते हैं तो मैं एक बात यहां पर क्लियर कर दूं आपको, और वो बात ये कि यदि किसी भी कार्य को करने में आपको मजा आता है, जो कार्य करना आपको अच्छा लगता है, तमाम परेशानियों के बावजूद भी आप उस कार्य को सीख सकते हैं, वो ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये बात कर रहा हूं, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीखना, ज्ञान हासिल करना, सिर्फ और सिर्फ मैंने इतने साल के अपने कैरियर में इतनी सारी कुंडलियों को देखने के बाद ये पाया है कि सीखना, ज्ञान हासिल करना जो है वो आपकी इच्छा शक्ति पर, आपके मजे पर ना, जिस काम में आपको मजा आता है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। यदि आप पर इंटरेस्ट है, आपको मजा आ रहा है कोई काम में करने में, बिल्कुल वो काम आपसे, आपको ज्योतिष में मजा आता है, आप बिल्कुल सीखिए, सीख सकते हैं, बिल्कुल 100% सीख सकते हैं। आपको मजा आता है सेल्स में, मार्केटिंग में, कुकिंग में, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। आपको पेंटिंग में मजा आता है, आपको सिंगिंग में मजा आता है, कई लोग कहते हैं सर सिंगिंग सीख सकते हैं क्या, एक्टिंग सीख सकते हैं क्या, बिल्कुल सीखिए। ज्ञान हासिल करने के लिए कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बात की जरूरत है, इंटरेस्ट की, मजा आने की। तो जितनी समस्या है उन समस्याओं को पार करके आप चीजें सीख सकते हैं। हाँ, एक बात जरूरी यहां पर आती है, और वो एक बात ये आती है कि सर, हम क्या ज्योतिष सीख सकते हैं और ज्योतिष में प्रोफेशन बना सकते हैं, उससे धन अर्जन कर सकते हैं, उसमें नाम कमा सकते हैं, उसमें प्रतिष्ठा कमा सकते हैं, मैं एक्टर बन सकता हूं, उसमें नाम प्रतिष्ठा हो सकती है, मैं सिंगर बन सकता हूं, सिंगर से मुझे प्रतिष्ठा, पैसा, नाम मिल सकता है क्या? ये कुंडली देखने की बात होगी ये। हाँ, इस बात के लिए कुंडली देखना पड़ेगी कि भाई इससे आपको नाम, पैसा, शोहरत, दौलत मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी। लेकिन हमेशा ही थोड़े आप पैसों के लिए ही कोई चीज सीखते हैं। भाई, आपने मेडिटेशन करना सीखा, अभी आप क्या चाहते हो? मेडिटेशन करें तो आपको पैसा मिले? कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जॉब कर रहे हैं और वो सोचते कि अच्छा, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, इसको भी सीखना चाहिए, अपने अपने 2, 4, 5 लोगों पर, या जो जो भी कभी 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 मिलेंगे उन पर एप्लीकेबल करेंगे, मजा आएगा, फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे, मजा आएगा, उपाय देंगे, उनको फायदा मिलेगा तो मजा आएगा। मजा भी तो है सिंगिंग, हम कुछ काम और करते हैं, हम नौकरी कुछ और करते हैं, बिजनेस कुछ और करते हैं, लेकिन गाने में मजा आता है, गाना सीखेंगे, मजा आएगा। तो जहां पर ज्ञान हासिल करना है वहां पर इंटरेस्ट देखिए, कुंडली मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए, और बिल्कुल लग जाइए, आप सीख लेंगे। उसमें सफलता कितनी है, हाँ, उसे प्रोफेशन बनाना है, उसे बिजनेस बनाना है, उसमें नौकरी करना है, उसमें जॉब करना है, उसमें उन्नति करना है, ये एक अलग विषय है, उसके लिए कुंडली देखना पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा पॉइंट आप तक शायद पहुंचा है, और फिर से एक बार दोहरा देता हूं, मेरा पॉइंट ये है कि कुछ नया आपको सीखना है, कुछ नया ज्ञान हासिल करना है, तो आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लग जाइए, मेहनत कीजिए और इंटरेस्ट के साथ उसे हासिल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।